Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नामते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानात् तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदेहम श्री गुरु श्री उत्तापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरंगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता की इस कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। आज श्रीमद् भगवत गीता के सातवें अध्याय के 19वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते नानवान् माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते नानवान् माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते नानवान् माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। किसी को दोहराना है? जी माताजी दोहराइए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् माम प्रपद्यते वासुदेव ही सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जाए। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। फिर से मैं पढ़ता हूं। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो भगवान कहते हैं कि बहुत जन्म के बाद जिसको ज्ञान होता है वो भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण जानकर भगवान की शरण में जाता है। हम सब भगवान की शरण में जाते हैं गुरु की और वैष्णव की सुकृति के कारण। भगवान कृष्ण को वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ मानते हैं। लेकिन समस्त कारणों के कारण का अर्थ क्या है वो हमें थोड़ा देखना होगा। जब जीव का संबंध घनिष्ठता से भगवान के साथ जुड़ता है, जितना घनिष्ठता से जुड़ता है उतनी घनिष्ठता से भक्त समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे कि वह मुझे समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। कोई भी घटना घटती है तो वो घटना में हम पहले प्राथमिक कारण ढूंढते हैं किसकी वजह से हुई, या चर्म चक्षु से जो देखते हैं उसका पुरावा देते हैं। लेकिन भगवान की शरण यानी कि सर्व कारण कारण ऐसा क्यों हुआ, तो देश काल प्रति परिस्थिति प्रकृति कारण ये सभी चीज हमारे इसके साथ जो घटना घटती है उसके साथ जुड़ी होती है। भौतिक प्रकृति इसके प्रति जवाब दे रही है। तो ये भी सभी चीज
एक साथ जुड़ी होती है, पांच कारण होते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि जो भी घटना घटी है हम उसको बाह्य दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब उसकी तहकीकात करके हम अंदर जाते हैं, कर्मणा गहनो गति, जब हम अंदर घुसते हैं जाते हैं तो भक्त, क्योंकि शुद्ध है उसका हृदय, इसीलिए वो जानकर देखता है कि इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण है, सर्व कारण के कारण है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो इसके अंदर हमें और एक देखना है, 13वें अध्याय में भगवान ने रेफरेंस दिया था, तो 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान क्या है इसका रेफरेंस दिया है, टेक्स्ट नंबर 8-12 के अंदर, भगवत गीता 13वां अध्याय श्लोक संख्या 8-12 का अनुवाद ये कहता है कि ज्ञान किसको कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान किसको कहते हैं, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। आज का श्लोक क्या है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान अवामाम प्रपद्यन्ते। वो ज्ञान क्या है, इसके अंदर हमें भगवान ने ज्ञान किसको कहते हैं वो बताया गया है, विनम्रता। भौतिक ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है, लेकिन परिपक्वता आती है तो विनम्रता आती है। दंभहीनता, जब हम भगवान की साधु गुरु शास्त्र के प्रति समर्पित नहीं है तो इस जगत के अंदर सामान्य जन जो लोग हैं वो दंभ में जीते हैं, जिसको रूट ओरिजिनल कारण का पता है वो व्यक्ति को दंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। अहिंसा, जब हम आत्मा को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुड़ाने के लिए कोई कार्य करते हैं उसको अहिंसा कहते हैं। अगर आत्मा की गति जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ओर जाती है तो वो हिंसा है, इसलिए भौतिक जगत का ज्ञान जो है वो हिंसा है। सहिष्णुता, तृणादपि सुनिए न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। तो सहिष्णुता जो है वो भगवान की भक्ति कराने के लिए आवश्यक है, जिसको भगवान की सतत भक्ति करनी है उनके लिए तृणादपि सुनी चेना, वो अहंकार से विरुद्ध दिशा में जाएगा। सरलता, सरलता, भगवान का जो भक्त होता है वो सरल होता है। सरल का मतलब है उनका मन कर्म वचन एक दिशा में होता है। सामान्य जगत में मन कर्म वचन अलग अलग विपरीत दिशाओं में होता है, लेकिन सरल व्यक्ति का जो मन में सोचता है वही बोलता है और वही करता है, वो सरलता का प्रमाण है। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, भगवान की कृपा से प्रामाणिक गुरु मिलते हैं। अगर हमारे अंदर आंतरिक अवस्था शुद्ध है, आंतरिक सरलता है, हमारे अंदर सहिष्णुता है, अहिंसा है, दंभहीनता है, विनम्रता है, तो भगवान हमारे जीव के कल्याण के हेतु उनको प्रामाणिक गुरु भेज देते हैं। लेकिन प्रामाणिक गुरु तो सभी के पास होते जा सकते हैं, लेकिन कौन समर्पित होता है,
जो भगवान का भक्त होता है वो समर्पित हो सकता है भगवान की कृपा से। पवित्रता, इस जगत में पवित्रता कायम रखना बहुत दुर्लभ है। हम सामान्य से सामान्य चीजों में भी अपवित्र हो जाते हैं कलयुग के अंदर, लेकिन जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, जब हम जैसे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण मात्र से हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है। और जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं पवित्रता चली जाती है। तो याद रहे कि हम जीवन में कितनी बार, पूरे एक दिन में 24 घंटों में कितनी बार हम भगवान कृष्ण को भूलते हैं, क्योंकि जो भगवान कृष्ण को भूलते हैं वो पवित्रता हासिल नहीं कर पाते। बाह्य पवित्रता हासिल करना एक बात है, आंतरिक पवित्रता हासिल करना और एक बात है, और भगवान की भक्ति वो पवित्रता की ओर ले जाती है। स्थिरता, जिसको भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगाव है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, जैसे हमारा जीव अजन्मा है, तो अजन्मा के साथ अजन्मा का मिलाप संबंध जोड़ने से स्थिरता आती है। और अगर हम एक चक्रवर्त के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे तो ये स्थिरता कायम नहीं टिक पाती है। जैसे मैंने एक कार्टून देखा था, उसमें एक मिमिक्री हो रहा था, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि उसका पैर का चप्पल टूट गया, वो ठीक करने के लिए बाजार में घूम रहा है, ठीक करने के लिए गया, तो बाजू में गाड़ी खड़ी थी, उसको पता नहीं था, तो उसने क्या किया, अपनी शू से, पांव से शू निकाला और शू गाड़ी पे रख के अपने पांव में से जो खिला लग गया था वो निकाला और बाद में वापस पहनना चाहा। लेकिन उनको पता नहीं था कि वो गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा था और गाड़ी चल पड़ी, तो वो स्थिर था, चप्पल गाड़ी के ऊपर रह गया, गाड़ी चल पड़ी और वो एक पांव में हो गया। फिर क्या होगा, स्थिरता कायम हो सकती है? स्थिरता नहीं रहेगी, तुरंत विचलितता आ जाएगी। तो जब हम, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम चलित जगत में, इस जगत परिवर्तनशील जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो परिवर्तन है, सुबह से शाम परिवर्तन है, एक तारीख से 30 तारीख परिवर्तन है, फिर एक तारीख, फिर विंटर समर और रेनी सीजन परिवर्तन है, वैसे हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि परिवर्तन है, वैसे हमारा सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग ये परिवर्तन है। इस पूरा परिवर्तन जगत के अंदर हम स्थिरता कैसे हासिल कर पाएंगे? जब आत्मा स्थिर है और आत्मा के संबंध भगवान कृष्ण के साथ जुड़ेंगे तो स्थिरता आ जाती है, और स्थिरता आएगी तो हमारे अंदर बाकी भगवान की भक्ति करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें बाह्य जो त्रिगुणातीत जो हम हो जाएंगे और हम जो भौतिक जगत के दोष है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो हमें विचलित नहीं कर पाएंगे। आत्मसंयम, आत्मसंयम का मतलब है जब मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है तो मुझे किसका डर है। आत्मसंयम का दूसरा एक अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति विलगाव रखता है, जो इंद्रिय, एक इंद्रिय तृप्ति करता है और एक इंद्रिय को संयमित करता है, एक इंद्रिय को मोड़ता है संयमित करके, जो अपनी इंद्रिय को, ऋषि के ना ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए उपयोग करता है वो व्यक्ति आत्मसंयमी कहलाता है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, यानी कि भौतिक पदार्थों का, विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव। जब अपरिपक्व ज्ञान आता है तो अहंकार आता है, जब परिपक्वता आती है तो अहंकार चला जाता है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण की घनिष्ठ संबंध से, भगवान कृष्ण का जो पद है, भगवान श्री कृष्ण हमारा नियंता है और हमारा सब कुछ है, सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, ये जब पता चलता है
तो धीरे 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 हम अपने अहम ममिति से बाहर निकल पाते हैं। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग की दोषों की अनुभूति, एक्चुअली भक्ति में आने का मतलब क्या है कि इस जगत में हम दुख को रोकने की क्षमता आती है तो उसको हम सुख मान बैठता है, जो कि वो आर्टिफिशियल है, फेक है, दंभ है। इस जगत में अगर सुख है तो गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ थोड़ा क्षणिक सुख है। गुरु महाराज ने अभी अभी मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। एक हमारी इंद्रिय, हमारे जो आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का आनंद एक सागर की बराबर है और हमारे इंद्रिय का सुख है एक बॉटल के बराबर है। हम वो बॉटल के अंदर सागर का कितना पानी भर पाएंगे, तो उससे इंद्रिय तृप्ति संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ सागर पड़ा है और एक तरफ बॉटल में सागर का पानी भरने की महेच्छा है। हमारा शरीर सीमित है, कितनी हम इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे। लेकिन जब हमारी इंद्रिय इंद्रियों के स्वामी की तृप्ति में लगाएंगे तब हमें शाश्वत सुख प्राप्त होगा। आगे बताते हैं कि वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, ये सब एक बाय प्रोडक्ट है भगवान का भक्ति में। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो धीरे 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 हमारे अंदर विरक्ति आती है, धीरे 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 हम भगवान सुप्रीम असी भगवान से जुड़ने की कोशिश में लगते हैं। हम जैसे परम दृष्टवा निवर्तते, जैसे हमें आध्यात्मिक जगत का जो सुख प्राप्त होता है तो भौतिक सुख हमें क्षणिक लगने लगता है। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव का मतलब है कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। जैसे ये विष चक्र है इस जगत के अंदर, परिवर्तन जगत है, जैसे दुख बिना बुलाए आता है वैसे सुख भी बिना बुलाए आ जाएगा। जैसे सुख में हमें धैर्य, सुख में हमें अपने आप को आत्मसंयमी रखना है और दुख में हमें धैर्य रखना है। तो उस जब ये चीजों के प्रति हम संभाव रहेंगे, वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा दुर्लभ, ये कर्म क्षेत्र जगत के अंदर प्रकृति के द्वारा हमारे सामने जो परिस्थिति उत्पन्न होती है वो प्रकृति का जवाब है और वो जवाब के प्रति हमें विचलितता तब आती है जब हमें पता नहीं होता है कि ये प्रतिकूल परिस्थिति मैंने ही खड़ी की है। जब प्रतिकूल परिस्थिति में हम शांत रहेंगे और ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति नहीं बनाएंगे तब हम ऑटोमेटिक संभव आ जाएगा। कहने का मतलब है कि भौतिक जगत की समस्या को भौतिक जगत की समस्या से सुलझाव नहीं होगा, आध्यात्मिक जगत की शक्ति से भौतिक जगत की समस्या को हम निकाल सकते हैं। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, जो अनन्य भक्त है वो घनिष्ठ संबंध में है। जिसको भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा है वो अनन्य भक्ति में आता है। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज को जैसे मैंने बार बार कहा है कि कुएं में जहरी सांप के कुएं में भी डालना चाहा तो भी उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं छोड़ा। उन्होंने, प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, 6 साल के थे, फिर भी उन्होंने अपनी जागृतता वासुदेवम सर्वमिति, हमारे अंदर जो हम भक्ति करते हैं, हम कर्मी हैं और हमारे अंदर जो भक्ति होती है वो सकाम कर्म में होती है, ज्यादातर वो कोमल श्रद्धा है। कोमल श्रद्धा की एक कैटेगरी है जैसे हम महामंत्र के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो कोमल श्रद्धा से हम निष्ठा की ओर जाना है। कोमल श्रद्धा के से जुड़ने के बाद हम निष्ठा की ओर जाएंगे तब हम अनन्यास चिंतयंतो हुआ ये कर पाएंगे कि अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, एकांत स्थान में रहने का मतलब है कि वो भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई स्थान खाली नहीं है। तो वो एकांत का मतलब है मात्र अपना अपना जो संग है वो भगवान के साथ जोड़ना चाहता है और किसी सांसारिक मनुष्य के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जन समूह से विलगा,
जन समूह से विल कराओ, यानी कि एकांत स्थान में रहने की इच्छा। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, आत्म साक्षात्कार की महत्ता। अगर कोई कहेगा कि मैंने कुछ कार्य करता हूं तब मुझे सैलरी मिलती है, वो सैलरी मिलती है तो मेरा एक ज्ञान है, वो ज्ञान का उपयोग करता हूँ, नौकरी करता हूँ तो मैं अपने बॉस के प्रति एक प्रामाणिक या सरेंडर भाव में रहता हूँ। तो इसी भाव को हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर ये शरीर काम का नहीं रहेगा, अगर शरीर नौकरी करने के लिए नायक नहीं रहेगा तो कौन मुझे पगार देगा। तो जैसे जैसे हम ऐसी परिस्थितियों को देखने लगते हैं कि हमारा शरीर भी कोई एक शक्ति से चल रहा है और वो शक्ति हमारे अंदर बिना सोचे, हम बिना चाहे बिना सोचे हमारे अंदर कई हजारों तरह के विचार आ जाते हैं, तो हम मन की प्राधान्यता को समझते हैं कि मन के अंदर ऐसे विचार बिन बुलाए आ जाते हैं। तो मन के ऊपर भी और कोई शक्ति है जो सही और गलत का बाइफरकेशन कर सकती है, वो है बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर भी कोई और शक्ति है। जब ये चीज हम जानेंगे तो धीरे धीरे हम आत्मा के प्रति जागृत। जो आत्मा के प्रति जागृत है वो व्यक्ति भौतिक जगत के अंदर ये ज्ञान के अंदर सदृश रहकर वो कभी अपना समय बिगाड़ता नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म जो जुड़ा है, हमारा मनुष्य जन्म हमारी सांस के साथ जुड़ा है और वो सांस बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जो भगवान का भक्त है वो इस शरीर का, शरीर रूपी मोटर कार का उपयोग करके अपनी यात्रा पूरी करना चाहेगा। वो ईंधन का, इसके अंदर जो डाला हुआ समय रूपी ईंधन है उसका बर्बाद ही नहीं करेगा। और परम सत्य की दार्शनिक खोज, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। हमें गुरु गौरंगा की कृपा से, भगवान की कृपा से गुरु मिले हैं और गुरु की कृपा से हमें ये प्राप्त हो चुका है कि हमें दार्शनिक खोज करने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध को स्थापित करना। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, भगवान कहते हैं इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। आइए प्रभुपाद जी के प्रपोट में चलते हैं, प्रभुपाद जी जो समझाते हैं वो तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात जब इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। देखिए हम सबका कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है कि अभी हमें बोनाफाइड संप्रदाय, बोनाफाइड गुरु और बोनाफाइड शास्त्र मिले हैं, श्रीमद् भगवत गीता और भागवत मिला है, अनुकूल वातावरण मिला है, अनुकूल हवा का वेग लगा है, इसके साथ अनुकूल भक्तों का संग मिलता है और इनके साथ अनुकूल दिशा मिलती है महामंत्र के साथ। और वो दिशा के प्रति हम जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा के अंदर भक्तों का संग होता है और गुरु की हेतु की कृपा होती है, तो ये सभी कॉम्बिनेशन जो है अपने आप नहीं होता है, ये सभी कॉम्बिनेशन वासुदेवम सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण की सुप्रीम इच्छा के अनुसार होता है। तो हमने ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि जिन्होंने कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है वो व्यक्ति ने पहले पूर्व जन्मों में तपस्या कर ली है, पूर्व जन्म ने गंगा स्नान इत्यादि कर लिया है, पूर्व जन्म ने अनुष्ठान कर दिया, पुण्य कर्म कर दिया, सभी कुछ प्राप्त करने के बाद जब व्यक्ति की परिपक्वता हुई तब वो आत्मा पर करुणा हेतु भगवान उनके जीवन में बोनाफाइड गुरु भेजते। तो हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें कलयुग का महामंत्र तक बोनाफाइड गुरु के द्वारा मिल चुका है। और ये महामंत्र मिलना कोई एक काल्पनिक बात नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है, ये कोई भक्तों का संग ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये भगवान की अहितु की कृपा से मिलता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता।
भगवान चतुर्श्लोकी गीता में संबंध के बारे में ज्ञान बता रहे हैं कि हमारा संबंध भगवान से होता है तो वो भगवान करवाते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, जो इस बात को जानकर मुझे बचता है बुद्धा भाव समन्विता, वो मनुष्य में बुद्धिमान है। यानी कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वामाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, कि बहुत जन्म के बाद जो ज्ञान मिलता है वो महात्मा वासुदेवम सर्वमिति, वो श्री कृष्ण सर्वस्व है, वो जान पाता है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। रूपा जी ने भक्ति को कहा डिवोशनल सर्विस, निराकारवादी नहीं। जैसे योगी जन ज्ञानी जन है पहले निराकारवाद निर्विशेषवाद की बात करते हैं कि भगवान निराकार, हाँ भगवान निराकार है क्योंकि भगवान का भौतिक आकार नहीं है इसलिए उनको निराकार कहा गया। प्रभुपाद जी समझाते हैं एक्चुअली भगवान का आध्यात्मिक रूप रंग है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेश दुर्लभ आत्म भक्त गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान के अनगिनत रूप है, अनगिनत कार्यकलाप है। तो जैसे भगवान के कार्यकलाप है वैसे भगवान की लीला भी भगवान के कार्यकलाप है। तो भगवान के अंश होने के नाते हमारे अंदर भी कार्यकलाप है। तो हमारा जीव की अनुभूति है हमारी चेतना के द्वारा प्राप्त होती है। चेतना मतलब हम जीव होता है तभी कार्य कर सकते हैं, कोई मृत व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। तो जब हम कार्य करते हैं, अभी कार्य के अंदर वो कर्म का अलग एपिसोड है जो हम पहले देख चुके हैं, हम कर्म की बात नहीं कर रहे। कार्य का मतलब है वासुदेवम सर्वमिति, जो भगवान की भक्ति में जो कार्य है वो कार्य है दिव्य स्तर पर है, वो कर्म योग है। दिव्य स्तर का मतलब है जैसे ही भगवान के लिए भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किया तो वो दिव्य स्तर पर होता है, और जैसे ही वो कार्य हमारे लिए होता है तो वो कर्म बंधन पर स्तर पर होता है। तो यहाँ पे आगे आया कि किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। जो भगवान का भक्त है तो वो भक्त कैसा होता है, वो भगवान के लिए कार्य करता है। वो अपना संसार चलाता है तो भी वो संसार चलाने में भी भक्ति का उपयोग करता है, अपने गृहस्थ परिवार के साथ भी गृहस्थ को भी भगवान की भक्ति में जोड़ने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण की कृपा ही, हाँ आगे इसकी अनुभूति पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। कैसे आसक्त हो जाता है, जैसे कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने सुपीरियर के साथ आसक्त होता है, अपना जो उसका बॉस है उसके साथ आसक्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि उससे उसका लाभ जुड़ा हुआ है, वहां सकाम कर्म है लेकिन स्वभाव वो है। लेकिन यहाँ पे भगवान के पास पहले जीव सकाम कर्म से जुड़ते हैं, जब तक भगवान की महत्ता का पता नहीं होता है तब तक जीव भगवान के साथ सकाम कर्म से जुड़ता है। हम पिछले हफ्ते देख चुके कि चार प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्ष व। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान से जुड़ते हैं, ये सुकृति है लेकिन ये भी सकाम कर्म से जुड़ते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई भेद जुड़ा हुआ है, उनका मतलब जुड़ा हुआ है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, भगवान का जो श्री भक्त है वो निष्काम है, तो इसीलिए वो प्रसन्न रह सकता है। आगे बताते हैं आ,
जब तक हम भगवान के प्रति आसक्त नहीं होंगे तो शरणागति बहुत दूर की बात हो जाएगी। आसक्ति का मतलब है जब निष्ठा होगी तब रुचि होगी, रुचि होगी फिर आसक्ति होगी, और आसक्ति के प्रति आप जब हम शरणागति ग्रहण करेंगे तब प्रेम उत्पन्न होने की शुरुआत होगी। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। इस अवसर पर यानी कि शरणागति के अवसर पर, जैसे कि एक पत्नी शादी करके एक आती है घर में तो पति को समर्पित हो जाती है, तो उसके द्वारा, और पति पत्नी से समर्पित हो जाता है तो उसके द्वारा उनके प्रति एक प्रेम का आदान प्रदान होने लगता है, तो वो भौतिक स्तर पर है। ऐसे आध्यात्मिक स्तर पे भी जीव का परमात्मा के साथ, भगवान के साथ भी आदान प्रदान है। वो आदान प्रदान है सिर्फ प्रेम के साथ। ये भौतिक जगत का कलमश का प्रेम की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है। भगवान ही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान ही सर्व कारणों के कारण है। ये सब हम श्लोक जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह सुनते हैं, फिर भी अगर हमें सुख दुख की अनुभूति होती है इसका मतलब हम सर्व कारण को कारण कृष्ण को नहीं जाने हैं। हम भगवान के महामंत्र का जप करते हैं, हम दुनिया की समस्याओं को झेलते हैं और समस्याओं को प्रति हम विचलित हो जाते हैं जब हमें सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। इसका मतलब यह है कि हम ओरिजिनल कारण को नहीं जान पाए हैं अभी तक। हम बाहरी कारण को देख रहे हैं, सुख दुख, मन को अनुकूल उसको सुख कहते हैं, मन को विपरीत है उसको दुख कहते हैं। लेकिन ये मन के अंदर सुख और दुख ने प्रवेश कैसे किया? ये परिस्थिति, वर्तमान परिस्थिति जो है मेरे सामने खड़ी है, ये मेरे कर्मों का हिसाब है जो प्रकृति द्वारा भेजा गया है। तो ये चीज जब हम जान पाते हैं तो वो प्रकृति भगवान की संरक्षण में काम करती है। तो जब हम सुख दुख, जब हमें वर्तमान परिस्थिति में दुख होता है तो उसका ट्यूनअप अगर हम एनालिसिस करें तो भगवान का दिया हुआ जवाब के समय हम विद्रोह कर रहे हैं। हम भगवान के सामने जो परिस्थिति भगवान के द्वारा भेजी गई है हमारे सामने, उस परिस्थिति का विद्रोह कर रहे हैं। विद्रोह का मतलब है हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है। जो भगवान का भक्त है वो सदैव प्रसन्न रहता है, वो चाहता है कि कितना भी दुख हो मेरा कर्म का हिसाब पूरा हो रहा है। इसलिए कुंती माता भी दुख मांग रही है कि सदैव भगवान का नाम स्मरण बना रहे हैं। तो दुख का मतलब ये है कि भगवान का भक्त कैसे प्रसन्न रहता है कि वो जानता है अच्छी तरह कि मेरा कर्म का हिसाब भगवान पूरा कर रहे हैं। जो अज्ञानी जन है वो दुख से विचलित हो जाता है। तो इस सब भगवान सब कारणों के कारण का मतलब है कि दुख भी भगवान हमारे पर करुणा कर रहे हैं इसलिए दुख दे रहे हैं। भगवान की करुणा है, इसके अंदर दुख के अंदर भी हमारा कल्याणकारी मित्र बैठा हुआ है, सुरुदम सर्वभूतानाम बैठा हुआ है, और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। भगवान का ये जगत एकांश न स्थित हो जगत, भगवान की अनेक शक्तियां हैं और मुख्यत्व में प्रभुपाद जी ने बताया बहिरंग का शक्ति, अंतरंग का शक्ति और तटस्थ शक्ति। लेकिन ये तीनों शक्ति भगवान की निगरानी में काम कर रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड भी भगवान की इच्छा से चल रहा है, इच्छा मात्र से, क्योंकि वह चिंतामणि धाम। भगवान को मात्र इच्छा करना है और जगत का एग्जिस्टेंस हो जाता है, और भगवान की इच्छा से उसका विलय और प्रलय भी हो जाता है। तो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कारण, इस जगत के ब्रह्मा जी का जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कारण, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विलय का कारण, ये सभी सर्व कारण कारण श्री कृष्ण है। वह इस भौतिक जगत की आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है। जो अज्ञानी जन है वो भौतिक जगत का विकृत, हाँ मुझे इसने गाली दिया, विकृत प्रतिबिंब देखता है। लेकिन भगवान का भक्त देखता है कि शायद मैंने कई बार पिछले समय में कई बार इनको गाली दी होगी,
इसलिए उनका कर्म का रिजल्ट है वो पूरा हो रहा है। तो जब हम ये समझेंगे कर्म की परिभाषा, जो वर्तमान परिस्थिति है ये कर्मों के द्वारा कर्म का हिसाब के रूप में, जवाब के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है, तो ये जब हम समझेंगे तब हमारे अंदर स्थिरता और संयम आ जाएगा, आत्म संयम आ जाएगा। और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर श्री कृष्ण से संबंध है। जब श्री कृष्ण से संबंध है तो हमारे अंदर अपरिपक्वता नहीं रहेगी। अपरिपक्वता अगर हमारे अंदर विचलितता है, सुख दुख का अनुभव है, इसका मतलब यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजी गई परिस्थिति को या भगवान श्री कृष्ण की महानता को, घनिष्ठ संबंधता को ठीक तरह समझे नहीं है, ठीक तरह सर्व कारण कारण हम समझे नहीं है। खाली मात्र महामंत्र का जप करना है तो गुरु की कृपा है, गुरु की सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रथो क्षति अहितो की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, ये धर्म है, परो धर्म है। लेकिन ये परो धर्म जो है किसके द्वारा प्रदत्त किया? गुरु के द्वारा। और गुरु किसकी कृपा से मिलता है? भगवान के द्वारा। और बाकी सब परिस्थिति हमारे सामने जो आती है वो हमारे कर्म का हिसाब है। तो हमारी यात्रा स्थिर अनंत की यात्रा में, हम जब जीव अनंत की यात्रा में है, इसके अंदर गुरु की कृपा से के द्वारा हम भगवान से जुड़ना है। प्रभुपाद जी अच्छी तरह समझाया है इसके अंदर कि हरेक जीव को अपना अकाउंट है और हरेक जीव को अपना स्वयं फ्लाइट को उड़ाना है, और हवा में उड़ी हुई फ्लाइट दूसरी फ्लाइट, एक फ्लाइट दूसरी फ्लाइट को मदद नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जब उसको ईंधन की आवश्यकता है तो वो उसको जमीन पर आना पड़ता है और ईंधन प्राप्त करता है। हम पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए और हमें गुरु के द्वारा ईंधन मिला, और हरे कृष्ण महामंत्र का ईंधन के द्वारा हमारी फ्लाइट ठीक तरह उड़ सकती है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण के संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है, ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। जो हमारा ओरिजिन के साथ हम जोड़ेंगे तो ही हम संतुष्ट होंगे। जैसे हमारे गुजराती में कहावत है, दुनिया नो छेड़ो घर, दुनिया का जो अंत है वो कहाँ है? घर पे। हम यात्रा में गए हैं, कहीं भी बाहर गए हैं, सुबह में नौकरी में जाते हैं, शाम को कहाँ आते हैं? घर पे आते हैं। तो इस भौतिक जगत में भी हम वापस घर में आके शांत होते हैं। हम कितने भी फाइव स्टार होटल में चले जाए, रिजोर्ट में चले जाए, लेकिन वापस हमें जब तक घर में आके चैन से नहीं बैठेंगे तब तक हमें बेचैनी बनी रहती है, हमें सुकृति मतलब सुचैनी नहीं मिलती है। तो जैसे भौतिक जगत में भी घर में आने से हमारी शांति वापस प्रस्थापित होती है, वैसे आध्यात्मिक जगत हमारा अल्टीमेट घर है। वो घर में जाने से हमारी अल्टीमेट जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बेचैनी चली जाएगी। तो हम परो धर्म के प्रति ये कार्य कर रहे हैं। और अहित की अप्रतिहता, वो कोई भी सकाम कर्म के साथ ही हुई नहीं होनी चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए, अनन्याश्चिंतयन्तो मा जैसी होनी चाहिए, और अप्रतिहता यानी कि वो शाश्वत होनी चाहिए, सतत सततम कीर्तयन्तो मा, सतत भगवान के साथ आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि भगवान का भक्त सतत स्मरण में रहता है। प्रहलाद महाराज की भक्ति स्मरण से जुड़ी हुई है। जब तक भगवान का स्मरण नहीं होता तब तक हम भगवान से जुड़े नहीं होते। ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि भगवान का स्मरण करने के लिए भगवान ने हमारे लिए उन्होंने अपना नाम भेजा है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम के अंदर सारी शक्ति को जोड़ दिया है। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल, और भगवान के नाम लेने के लिए कोई भी काल देश काल परिस्थिति का भी कोई आवश्यकता प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है। किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम हम ले सकते हैं। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवान मम। हम भक्त के रूप में कर्मी अभी क्यों कहलाते हैं? दुर्दैव में दृश्य समीहा जनिना अनुराग,
इतना सब कुछ होने के बावजूद, कई योजनों के दूर भगवान बैठे होने के बावजूद भी भगवान हमारे अंदर नाम के रूप में प्रकाशित होते हैं, नाम के रूप में प्रज्वलित होते हैं, और वो नाम भक्तों के संग के साथ हम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं, फिर भी हम उस नाम के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। दुर्दैव मे दृशमी हा जनी नारूढ़। ये क्यों आसक्ति नहीं है? क्योंकि भौतिक प्रति के चीजों के प्रति हम आसक्त हैं। जितना हम प्रोपोर्शनेटली भौतिक चीजों के प्रति आसक्त रहेंगे, उतनी हमारी आध्यात्मिक भगवान के नाम के प्रति आसक्ति नहीं बनी बन पाएगी। तो हमें भगवान के नाम से जुड़ना है। भगवान के पास आसक्ति करने का मतलब है भगवान से प्रेम करना, और भगवान से प्रेम करने का मतलब है हम अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी भी यात्रा हो, हमारी थकान तब तक दूर नहीं होती जब तक घर वापस नहीं आता है। कितनी भी यात्रा हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो, हमारे पास मर्सिडीज कार हो, जगुआर कार हो, पोश कार हो, हमारे सुख संपत्ति हमारे पास जुड़ी हुई, चाहे बैंक में भी 100 करोड़ पड़े हो, लेकिन हमारी तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, तो क्या हम बेचैनी से बैठेंगे, सुकूनी से बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस जगत का माहौल है। इस माहौल से छूटने का मतलब है हमारी घर वापसी। घर वापसी के लिए जब हम जाएंगे, जैसे कि परीक्षित महाराज ने भी घर वापसी के लिए अपना एकाग्रता व्यक्त की। जैसे उनको पता चला कि 7 दिन मेरे पास है, तो उन्होंने तुरंत एकाग्रता को हासिल किया, और सच्चे गुरु उनको भगवान के द्वारा भेजे गए, सुखदेव गोस्वामी मिल गए। और उसी तरह गुरु का संग करते करते उन्होंने भगवत धाम प्राप्त कर लिया। हम भी गुरु का संग प्राप्त करके भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का संग का मतलब है, जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे ही वैदिक परंपरा का भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, हम भगवत धाम से जुड़ जाते हैं। ये बात अनुभव है कि अलग है कि हम बॉडी कॉन्शियस में होने के नाते हम इसको समझ नहीं पाते, परिपक्वता आ जाएगी तब हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। तो ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। तो जब तक हमारे अंदर कलमश है, तो हम भगवान को कई कलमश लोग व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि भगवान शरणागति क्यों मांगते हैं, भगवान तो अपना इगोस्टिक दिखता है। भगवान इगोस्टिक नहीं है। शरणागति का मतलब, जब कलमश वाले स्थान में, कलमश वाले मन से हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान शरणागति मांगते हैं, इसका मतलब है कि भगवान इगोस्टिक है, भगवान अपनी अहमता दिखाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि जैसे एक बछड़ा दूर से गाय चरने जाती है, और गाय चर के वापस आ गई और बछड़ा को छोड़ दे, तो बछड़ा जाके कहाँ जाएगा? सीधा माँ का आंचल में घुस जाएगा। जैसे बछड़ा माँ के आंचल में अपने आप आकर्षित हो जाता है, ठीक वैसे ही जीव भगवान के प्रति अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। तो ये शरणागति का मतलब है कि बछड़ा अपनी माँ गाय के साथ शरणागत है, वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, और ढूंढते बछड़े के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अपनी माँ को, कितनी गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तो मनुष्य जन्म में हमें भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भगवान को ढूंढ लेना है। जब हम भगवान को ढूंढ लेंगे, जब हम गुरु के जरिए, भगवान के नामों के जरिए भगवान को ढूंढना है, जब ये ढूंढेंगे तो हमारा रास्ता बहुत सरल हो जाएगा। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेता उपनिषद में 3:14-15 में मिलती है। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है, क्योंकि ये सभी कहां से आती है? आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो वह जीवन प्राण है, वो आत्मा से आता है। जब आत्मा है तब हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो जब आत्मा नहीं है तो वो पदार्थ है, डेड बॉडी है। तो ओरिजिनल का, जब हम जैसे शरीर के, हमारे अंदर शरीर के अंदर दिखाई देता है
बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति या सोचने की शक्ति, हम इसको प्राधान्य दे देते हैं। और इसको प्राधान्य देने से क्या होता है, हम मिथ्या वस्तु को प्राधान्य देने से मिथ्या अहंकार आ जाता है। मिथ्या वस्तु को प्राधान्य नहीं देना है, इसके प्रति प्राधान्य किसको देना है, इसके पीछे कौन छुपा है, तो वो आत्मा है। जब आत्मा को प्राधान्य देंगे तो ऑटोमेटिक आत्मा भी कहेगी कि वो परमात्मा की प्रति समर्पित है, जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। जो व्यक्ति आत्मा के प्रति जागृत है उनको भक्ति सिखानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक महामंत्र का जाप और कीर्तन करने लगता है, ऑटोमेटिक भगवान के भक्तों के साथ जुड़ के भगवत धाम वापस लौट जाता है। जीव को भगवान की सेवा करने के लिए समझाना नहीं पड़ता, लेकिन जीव के ऊपर जो वासना का आवरण है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इस पदार्थों का आवरण है, इस पदार्थ को आवरण को सफाई करने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना है। बस जैसे आत्मा के ऊपर का आवरण खुल गया, आत्मा स्वयं स्वचालित रूप से अपने आप परमात्मा की भगवान की सेवा में लग जाएगा। जैसे जब तक योगी जन भी वो परमात्मा को हृदय में ध्यान से देखना चाहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने 100 प्रयत्न किया है, इसलिए भगवान की सेवा नहीं करने से वो ब्रह्म ज्योति से वापस आ गिरता है। लेकिन जो जानता है कि इसके अंदर भी कार्यकलाप जुड़े हुए हैं, तो वो भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी आज का श्लोक भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान अवामाम प्रपद्यंते, ऐसा ज्ञानी वासुदेवम सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव सर्वस्व सब महात्मा सुदुर्लभ, वो ऑटोमेटिक भगवान वासुदेव कृष्ण की सेवा में जुड़ जाता है। वो निर्विकार ब्रह्म ज्योति की ओर आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वहां जाके उनको समझ में आ गया कि अल्टीमेटली जब तक भगवान की शरणागति नहीं है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो जब ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाती है तब भक्ति की शुरुआत होती है। शुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है, कहने का मतलब इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में बोल सकता है। इस देह में बोलने देखने सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। तो एक प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बारिश के समय में पानी भर जाता है, इधर उधर पानी भर जाता है, और रात को उसके अंदर मेढक आ जाता है, मेढक आ जाता है या देड़का, जब गुजराती में देड़का कहते हैं, वो मेढक आने से क्या होता है, रात को पानी में जाके बोलता है ड्राउंड 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 करता रहता है। तो वो रात को पानी में ड्राउंड ड्राउंड करता है, उसका वाइब्रेशन से सांप को पता चला जाता है, सांप क्या है काल, तो वो काल को पता चलता है कि मेरा खुराक यहाँ है, वो आके फिर वहां जाके सांप जाके मेढक को खा जाता है। तो वैसे ही इस जगत के अंदर जब हम भौतिक जगत के प्रति प्रजल्प करते हैं, समय क्या दुरुपयोग करते हैं, समय का दुरुपयोग करने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की महिमा के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा, महामंत्र के अलावा, भक्तों के साथ हरि चर्चा के अलावा, अगर हम सामाजिक बातें करते रहते हैं, जब सामाजिक बातें करते रहते हैं तो वो आयुर्हरति वै पुंसा, जैसे सूरज उगता है और आथमता है और हमारा आयु हर लेता है, वैसे वो समय ने भी हमको हर लिया है, और वो प्रजल्प हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पे बताया है प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस देह में बोलने देखने सुनने तथा सोचने की आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान के प्रति संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। और जैसे हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो हमारी आयु सूर्यदेव नहीं ले सकता, हमारी आयु में वो उम्र जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ जाएगी, जैसे कि आग में लोहे का सलिया डालने से सलिया में आग लग जाती है तो अग्नि के गुण आ जाते हैं, ठीक वैसे ही हम परम दृष्टा निवर्तते, भगवान दिव्य स्तर पे है और दिव्य स्तर की चर्चा करते हैं, दिव्य स्तर का सत्संग करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, जो गोलोक एरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन,
जो गोलोक से आया हुआ धन है उसके साथ संग में जुड़ते हैं तो हमारा भौतिक आयु का नाश नहीं होता। भौतिक आयु का नाश नहीं होते का मतलब है हमारी आयु हमारे कर्म के अनुसार जितनी भी लिखी गई है उसमें जितना सत्संग किया है उतनी समय हमें और जोड़ दिया जाता है और वो हमारी आयु इतनी लंबी होती है। जितना पाप बढ़ता है उतनी आयु कम होती है, जितना सत्संग भगवत भक्ति होती है उतनी आयु लंबी होती है। तो सोचने आदि की शक्ति है, यदि वे भगवान संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है, वासुदेव विष्णु भगवान विष्णु सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, प्रत्येक वस्तु कण कण में वादु तो भगवान है। जब भगवान का शुद्ध भक्त सभी जगह भगवान की संबंधित, भगवान के संबंधित सभी जगह सभी परिस्थिति को देखता है, चाहे वो कर्म संबंधित हो, चाहे कर्म का रिएक्शन की पर दुख हो, चाहे दुनिया का कोई भी आचर्म चक्षु से जो भी परिस्थिति को देखते हैं तो वो देख रहे हैं कि इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति जुड़ी हुई है। जैसे ब्रह्मा जी ने जगत की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के कण कण में भगवान की सदृशता देखी, भगवान को कण कण में भगवान कैसे सहाय कर रहा है और भगवान ब्रह्मा जी को एक इंजीनियर के नाते एक निमित्त बनाकर भगवान कैसे सृष्टि का रचयिता कर रहे, भगवान कैसे देवी देवता उत्पन्न किए, ये सभी भगवान के द्वारा हुआ जो ब्रह्मा जी देख रहे थे कण कण में, लेकिन भगवान ने उसकी महत्ता किसको दी, ब्रह्मा जी को दी। और फिर ब्रह्मा जी वो देख पाए कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है। जैसे भगवान का शुद्ध भक्त देख रहा है कि हर प्रवृत्ति हर एक्टिविटी भगवान की कृपा से होती है। इवन वैष्णव का मिलन, इस जगत के अंदर सबसे दुखदायक अवस्था क्या है, इस जगत के अंदर भक्त के लिए सबसे दुखदायक अवस्था है तो वह भगवत नाम से विलगाव या तो भगवत भक्तों से विलगाव, भगवत भक्तों का चले जाना, हमसे दूर चले जाना, या भगवान का नाम नहीं लेना, भगवत नाम याद नहीं आना, भगवान के प्रति नहीं जुड़ना, ये सबसे बड़ा दुख है, दुखदायक परिस्थिति है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम दुखदायक परिस्थिति को दूसरी चीज दुखदायक परिस्थिति को मानते हैं जो शरीर से रिलेटेड है, तो वो दुखदायक परिस्थिति नहीं है फिर भी हम मानते हैं, इसलिए हम मिथ्या अहंकार में जुड़ते हैं, मिथ्या परिस्थिति को सत्य मानते हैं। तो यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है, प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। पूर्ण ज्ञान का मतलब है सही दिशा में, इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप सब भगवान हैं, हम भगवान के अंश हैं, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सदा, लेकिन हमारा शरीर के कण कण में भगवान की शक्ति जुड़ी हुई है। इसलिए भगवान की शक्ति को जैसे एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर की दवा की अंदर के इंग्रेडिएंट की शक्ति को हम स्वीकार लेते हैं, जैसे हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो पायलट की शक्ति पायलट के ज्ञान को स्वीकार लेते हैं, पायलट के ज्ञान को स्वीकारते हैं तब हम हवाई जहाज में बैठ के चुपचाप बैठते हैं। तो वैसे हमारे जीवन की यात्रा में हमारे गुरुजनों की और साधु गुरु और शास्त्र की दिशा और उनके आदेश में हमें पूर्ण समर्पित होना है। जो गुरु के प्रति समर्पित है वो भगवान के प्रति समर्पित हो सकता है। जो गुरु के गुरु मुख पद्म वाक्य जित्ते ते कोरी आइक्य और ना कोरी हो मने आशा, तो जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है तो वासुदेवम सर्वमिति नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो चारों तरफ और जगह भटकता है और अपनी बुद्धि से, सीमित बुद्धि से, अपनी आंखों से कारण ढूंढना चाहता है और उसके अंदर कलह उत्पन्न होता है। कलयुग का अर्थ है कलह युग, कलह का युग है कि हम गलत चीज को प्रमाण दे देते हैं, इसने मेरे साथ एक्सीडेंट किया, तो हम गलत चीज को प्रमाण देते हैं, हम ये नहीं देखते कि इसके पीछे हमारा कर्म और कर्म किया हुआ कर्म कर्म फल लेकर आया है। तो
वासुदेवम सर्वमति या तो सर्व कारण कारणम का मतलब है कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान वाम प्रपद्यंते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में हमें जो भी परिस्थिति है उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्राधान्यता को देखना, हमें कोई भी दुख की परिस्थिति में विचलित नहीं होना, सांसारिक परिस्थितियों में विचलित नहीं होना, बल्कि हमारी तंदुरुस्ती के प्रति भी हमें विचलित नहीं होना, यानी कि उसका इलाज करना उसको, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं उसकी, या वो मोटर कार का शरीर एक यंत्र है उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसका इलाज करना है, लेकिन आसक्ति नहीं होना है। आसक्ति किसके प्रति होना है? वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति। जो जब हम हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को सर्व कारण कारण देख पाएंगे, तब हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने लगेंगे कि भगवान मेरे लिए क्या क्या करता है, मैं कुछ नहीं कर पाता इसके बदले में। जैसे एक संतान को पता नहीं होता है, जन्मे हुए संतान को पता नहीं होता है कि माता पिता उनकी कितनी केयर करते हैं, जैसे जन्मे हुए संतान को पता नहीं होता है कि माता पिता उसकी कितनी केयर करते हैं, ठीक वैसे ही हमें भी पता नहीं है कि भगवान हमारी कितनी केयर करता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारा कल्याणकारी मित्र है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा शांति मृच्छति। जब हम हमारे अंदर शांति होगी तब होगी जब भगवान ही हमारा नियंता है, हमारा कल्याणकारी मित्र है, ये हमें जब पता चल जाएगा। और उसका पता चलने का मतलब है सर्व कारण कारण। जब हम सर्व कारण कारण का मतलब है हर परिस्थिति में हम संभाव रहेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ऐसे अलग अलग मापदंड भक्त के लिए बताए 12वें अध्याय में। तो ये सभी मापदंड क्या है, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर आता है। जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में आते हैं तब हम भगवान को समझ पाते हैं। जब तक घूमते रहेंगे, चक्र में घूमते रहेंगे, तो हमें यात्रा ही दिखाई देगी। हाँ, हमारा बुढ़ापा में हमारा क्या होगा, हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे अंदर रोग लग जाएगा तो क्या होगा, हम इसके प्रति चिंतित रहेंगे, ये हमारी यात्रा है। लेकिन यात्रा के बाद हमें भगवान को बारे में सोचेंगे तो हमारी यात्रा एक आदर्श यात्रा हो जाएगी। आदर्श यात्रा का मतलब है तब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हमारे माता पिता के साथ संतान यात्रा में निकलता है तो बच्चों को, छोटे बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होती, बल्कि वो आनंद ले रहा है यात्रा में। वैसे हम भगवान के संतान हैं और सही रूप में अगर संतान बन जाएंगे तो भगवान के द्वारा मनुष्य जन्म की ये यात्रा में भी हम आनंद ले पाएंगे। तो ये गूगल मीट में आप सब देख रहे हो, किसी का कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है तो इस क्लास का हम समापन करते हैं। हरि बोल। से आपने वो शरणागति जो भक्त को लोग क्यों मांगते हैं, कैसे ऐसा वो फिर से दोबारा बोल सकते, बता सकते हैं? अगर हम साधना भक्ति की बात करते हैं शरणागति की तो अलग है, और प्रेम भक्ति की बात करते हैं शरणागति तो अलग है। जो निष्ठा आ जाती है भगवान के प्रति, तो रुचि आती है, आसक्ति आती है, तब शरणागति आती है। ये एक रागानुगा भाव है और वो ज्ञान की पराकाष्ठा के बाद आती है। लेकिन हमारे जैसे साधना भक्त के लिए, हम अभी तक कर्म जगत में कर्मी भी है और भक्त बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो हमारे अंदर शरणागति तब आती है जब हमें अपने दोष दिखाई देते हैं। जब मनुष्य को अपना स्वयं का दोष दिखाई देता है और वो उसका दोष सुधारने की प्रयत्न करता है और वो दोष सुधार नहीं पाता, तब भगवान के पास जाकर शरणागत होता है। हर एक व्यक्ति कुछ इलाज ढूंढता है अपना, कि भाई मेरी समस्या का इलाज क्या है, और इलाज खुद करना चाहता है, वो खुद नहीं कर पाता है, मैं जन्म जन्म के पाप कैसे धो सकूं, वो समझता नहीं है। जब वो उसको अपना
जानते हुए भी कि मुझे भगवान से शरणागत होना है और भगवान से शरणागत होते हुए भी पापाचार्य में लगता रहता है, भगवान का दर्शन करता है, दंडवत प्रणाम करता है, फिर वापस मंदिर के बाहर जाकर पाप करने लगता है और फिर मन से पाप करता है। जब ऐसे मन से भी पाप होता है, आचरण से पाप होता है, तब उसको साथ साथ गुरु की कृपा के द्वारा और महामंत्र की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उसको अनुभव होता है कि मैं भगवान के पास जाता भी हूँ और पाप भी मेरे से होते रहता है, और मेरा कई जन्मों के पाप है, उसके फलस्वरूप मेरे मन में पापमय विचार भी आते रहते हैं। तो ये विचारों के प्रति जब उसके उसको ऐसा लगेगा कि ये विचार को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, तब जाके वो शरणागत होता है। तो ये भौतिक साधना भक्त का शरणागति तब होती है जब वो अपना दोष देखने लगता है, और जो रागानुगा भक्त की शरणागति तब होती है जब वो निष्ठा से ऊपर उठ चुका है और वो आसक्ति में, रुचि और आसक्ति में, भाव में चला गया है, जो भाव के साथ जुड़ा हुआ है, उसको फिर शरणागति एक सामान्य कार्यकलाप लगता है। शरणागति का मतलब हम भौतिक जगत से देखें तो हमें किसी की शरण में रहना ऐसा हम मानते हैं, लेकिन जब भगवान के पास हम पहुंचते हैं तो भगवान के साथ जीव का प्रेम का संबंध है, तो वहां एक शरणागति भी एक प्रेम लेकर आती है। वहां का जो जीव और भगवान के प्रति जो आदान प्रदान है, उसके अंदर जो कार्यान्वित है वो प्रेम है। और भौतिक जगत ना साधना भक्ति के अंदर जब शरणागति की शुरुआत आती है, वो अपने कर्म फल से छूटने की बात है। कर्म फल से छूटकर हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे, तब हमारी शुद्ध भक्ति निष्ठा हमारे अंदर आ जाएगी, अनर्थ निवृत्ति होगी तब निष्ठा आएगी। अनर्थ का मतलब है हमारे पापमय जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता, गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता, और गुरु और भगवान की कृपा तब आती है जब हमारे अंदर सिंसियरिटी आती है, हम भगवान के, गुरु के वचनों पर और भगवान के नाम पर हमें लगाव होता है, हम बिल्कुल नाम के साथ जुड़े रहते हैं। 16 माला पूरी हो गई और 16 माला करने की इच्छा होती है, ऐसा प्रणाम का, या तो 16 माला हो गई तुरंत श्रीमद भागवत खोल के पढ़ने की इच्छा, या तो भक्तों के संग संकीर्तन कर लो, या तो कोई भी दिव्य सेवा में जुड़ जाओ। तो वो भगवान का भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं मेरा एक मिनट भी समय बिगाड़ता नहीं हूँ। प्रभुपाद जी कहते थे कि आप मेरा उदाहरण ले लो कि मैंने एक मिनट भी समय बिगाड़ा नहीं है, लेकिन हम दुनियादारी के अंदर कितना समय हम व्यतीत करते हैं, बिगाड़ते हैं, जब भगवान से विलग होते हैं तो बिगाड़ते हैं। तो ये परिस्थिति हमारी है, तो परिस्थिति को सुलझने के लिए हमें महामंत्र का जप से जुड़ना है धीरे धीरे, और धीरे धीरे चार नियमों का पालन करके हम शुद्ध होंगे। हमें अपना दोष दिखाई देगा, अभी तक नए सांसारी लोगों को दूसरे का दोष दिखाई देता है, भगवान के भक्त को अपना दोष दिखाई देता है। इसलिए तो कहते हैं मोसमा पतित प्रभु नापई बेयारा, मेरे जैसा प्रभु पतित कोई नहीं है, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। और भौतिक जगत में अरे मेरा मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती है, अहंकार करता है मनुष्य, तो बिल्कुल ऑपोजिट परिस्थिति है। जो सर्व कारण कारण जानता है तो अपने आप नम्र हो जाता है, जैसे कछुआ बाह्य परिस्थिति जब तकलीफ वाली दिखती है तो कछुआ अपना अंग अपने शैल के अंदर समेट लेता है, वैसे जो भगवान का भक्त है, धीर भक्त है, वो बाह्य परिस्थिति से विचलित दिखाई देती है तो अंदर चला जाता है और भगवान का नाम लेने लगता है। कहने का मेरा मतलब है कि भगवान से हमारा संबंध शाश्वत रहेगा तो दुनिया की कोई भी समस्या ने ऐसा जन्म नहीं लिया है कि जो भगवान के नाम से ना मिटे। तो हमें दुनिया की हर समस्या का इलाज है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के साथ जुड़िए, जप कीजिए, संकीर्तन कीजिए, श्रीमद् भागवत की कक्षा, भागवत का पठन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए।
हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस क्लास की कोई भी सुकृति मैं अपने गुरु इस होलीनेस जयपता का स्वामी आचार्य पाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। इसके अंदर कोई भी त्रुटि या क्षति है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो इस भगवद गीता की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। रविवार सुबह में श्रीमद् भागवत की कक्षा में मिलेंगे। हरे कृष्ण।